दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद सऊदी अरेबिया का कोई ताकतवर बादशाह गुजरा है तो वो थे किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज, जिनका नाम सुनकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री खौफ में पड़ जाती थी। किंग फैसल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के तीसरे किंग थे। उनके जमाने में 1973 की अरब इसराइल वॉर हुई थी, जिसमें अगर अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देता तो आज फिलिस्तीन आज़ाद होता। 1973 की इस जंग के वक्त किंग फैसल ने अमेरिका के साथ बिजनेस करने पर रोक लगा दी थी और अपने ऑयल एक्सपोर्ट करने पर भी रोक लगा दी थी, जिसके जवाब में अमेरिका सऊदी अरब को धमकी देने लगा। अमेरिका की इस धमकी पर किंग फैसल ने तारीखी जुमले कहे कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदी लगाता है तो लगाए, हमारे बाप दादाओं ने अपनी पूरी जिंदगी खजूर खाकर निकाली है और हम भी यही करेंगे, लेकिन फलस्तीन का एक भी टुकड़ा हम दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी फैसला हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। قرارات الأمم المتحدة هل نقبل بتقسيم فلسطين؟